जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अटेंडेंस मैं खुद ले रही हूँ आज आप लोगों की, ठीक है? मरियम इस वक्त सिर्फ प्रेजेंट है, और हमारी ये 1 आवर की जो क्लास है तो अटेंडेंस आज मेरे हाथ में है, लिहाजा अटेंडेंस आज मैं खुद ले रही हूँ। सो बी केयरफुल, सिर्फ अभी तक मरियम और जेनिफर हुई है, तो आपके पास सिर्फ 5 मिनट या 5 मिनट तक जो आ गया ठीक है, बाकी फिर सब की एबसेंट मार्क करूंगी। मरियम है, मिसबा है, मरियम, तारिक, मिसबा, असगर, ठीक है, अक्सा, अंसब, नीलम। हाँ जी, अक्सा की हो गई है। मुसर्रत की हो गई है, अक्सा की हो गई है, आरफा की हो गई है। आरफा, आपका पूरा नाम क्या बेटा? आरफा राहत या आरफा अशरफ? पूरा नाम लिखा करें, फिर वो मिसप्लेस होता है। अक्सा कमल है आप? अच्छा जी, अक्सा कमल। हाँ जी, अक्सा कमल। इसी तरह से आरफा भी अपना नाम बताएं, पूरा लिखा करें, अदरवाइज मैं एब्सेंट मार्क करूंगी आप लोगों की। सना का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम लिखेंगे तो अटेंडेंस होगी। सना कयूम है या सना सैफ है आप? हिना का भी पूरा नहीं पता। आरफा, आप कौन सी हैं? आपके फादर का नाम, अपने फादर का नाम भी बताइए।
हाँ जी, ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन मैं यहाँ से कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, जरा देखेंगे आके आप माइक्रोबियल इंटरेक्शन। हाँ जी, इंटरेक्शन। माइक्रोब ह्यूमन इंटरेक्शन लिख लें। हो गया अपलोड? अच्छा, लेकिन मैंने इधर से किया, इधर से क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, वैसे एक दफा आके देख लें आपके इश्यू क्या आता है। अटेंडेंस मैंने ले ली है, ठीक है, ओके। ओके क्लास, माइक्रोब ह्यूमन इंटरेक्शन यही आप लोगों का था टॉपिक आज का। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे कि था कंटेंट में, हमने देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं उसमें। हमारे पास आ जाता है नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, प्रोग्रेस ऑफ इन्फेक्शन, पैथोजेनिसिटी, ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड डिजीज प्रिवेंशन, हाइजीन, ठीक है। ओके, आगे आ जाता है आपके पास नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो क्या होते हैं? ह्यूमन होस्ट बेसिकली होते हैं नॉर्मल फ्लोरा। ह्यूमन बॉडी कांस्टेंट कांटेक्ट विद माइक्रोब, कहता है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कांस्टेंटली कांटेक्ट कर रही होती है विद माइक्रोब। सम इन्वेड कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई इन द बॉडी, मतलब कि कुछ लोग, कुछ चीजें जो होती हैं वो इन्वेजन में आ जाती हैं, हमला कर देती हैं, कुछ मल्टीप्लाई करती हैं। वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब कैन इनहेबिट आवर बॉडी, ज्यादातर जो होता है ना वो कहता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर हमारा, हमें हमारा मस्कन बना के रहती हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनहेबिट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को हमारा क्या बना के रहते हैं, घर बना के रखते हैं, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे कि नाम से ही जाहिर है तो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। माइक्रोब्स डेट आर नॉर्मली फाउंड ऑन और इन द ह्यूमन बॉडी विदाउट कॉजिंग डिजीज, या तो इंसानी जिस्म के अंदर या उसके बाहर रहते हैं, ठीक है, और हमें बीमारी पहुंचाए बगैर।
इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू एंड फ्लूइड्स आर माइक्रोब फ्री। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज जो होते हैं और फ्लूइड्स जो होते हैं वो माइक्रोब फ्री। ऐसा नहीं होता कि लिवर के अंदर भी कोई नॉर्मल फ्लोरा हो, ठीक है, स्टमक के अंदर भी कोई नॉर्मल फ्लोरा हो, ऐसे नहीं, बल्कि लाइनिंग्स के अंदर हमारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। नो फ्लोरा माइक्रोब्स अवेलेबल इन आवर स्टीराइल पार्ट ऑफ आवर द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि वो स्टीराइल पार्ट है, स्टीराइल पार्ट से मुराद क्या है, साफ जगह है, ठीक है, वाइटल ऑर्गन है, वाइटल पार्ट है, उनके अंदर कभी भी नॉर्मल फ्लोरा नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कह लें कि डेलिकेट किस्म के और इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है। नॉर्मल फ्लोरा इज हार्मफुल इफ दे रीच द स्टीराइल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। वही बात आ गई कि मतलब वो ऑर्गन जितने वाइटल हैं, जैसे हार्ट है, लंग है, लिवर है, कि अगर नॉर्मल फ्लोरा की एक्सेस वहां तक पहुंच जाए और ऑल ऑफ सडन आप ये कह लें कि एकदम से इम्यूनिटी भी डाउन कर जाए, तो अगर इम्यूनिटी डाउन कर जाती है और ऑल ऑफ सडन जो आपका फ्लोरा है उसकी एक्सेस वहां तक पहुंच जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो इससे बचने के लिए कह लें कुदरती तौर पर नॉर्मल फ्लोरा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। आगे आ जाता है आपके पास साइट्स डेट हार्बर ए नॉर्मल फ्लोरा, वो जगह जो कि ज्यादा कह लें प्रॉन टू नॉर्मल फ्लोरा है या ज्यादा हार्बर टू नॉर्मल फ्लोरा है, वो है नंबर वन स्किन एंड इट्स कॉन्टेजियस म्यूकस मेम्ब्रेन। उसमें आपकी स्किन आ जाती है और आपकी कॉन्टेजियस म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है, आपका गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ जाता है, वेरियस पार्ट ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, आउटर ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलियाज है, वेजाइना है, एक्सटर्नल ईयर एंड केनाल है, उसके बाद एक्सटर्नल आईलिड्स हैं, यानी कि लैश फॉलिकल्स, ठीक है। इसी तरह से माइक्रो फ्री एनाटॉमिकल साइट्स और फ्लूइड्स कौन से हैं, ऑल इंटरनल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें लिवर है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, मसल है, बोन है, ओवरीज है, ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, पेंक्रियाज आ जाती है, स्लाइवरी एंड थायराइड, मिडल एंड इनर ईयर आ जाता है और इंटरनल आई आ जाती है। अब फ्लूइड्स विद एन एन ऑर्गन और टिश्यू, उसमें ब्लड है, ठीक है, यूरिन इन किडनी, यूरिथ्रा, ब्लैडर, ठीक है, मतलब वो फ्लूइड्स जो कि ऑर्गन या टिश्यू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वहां पे भी नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, ठीक है। उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ जाता है, स्लाइवा आ जाता है प्रायर एंटरिंग द ओरल कैविटी, सीमन आ जाता है प्रायर एंटरिंग द यूरिथ्रा, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड आ जाता है सराउंडिंग द एम्ब्रियो एंड फीटस। आगे आ जाता है आपका रेजिडेंट फ्लोरा। रेजिडेंट फ्लोरा जैसे कि नाम से जाहिर है उधर का रिजाइड करता हुआ, ठीक है, उधर का रहता हुआ, नाम से क्या जाहिर है, रेजिडेंट फ्लोरा। कहता है बैक्टीरियल फ्लोरा बेनिफिट होस्ट, होस्ट को बेनिफिट देता है बाय प्रिवेंटिंग ओवरग्रोथ ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स, मतलब वो ओवरग्रोथ नहीं होने देता आपकी हार्मफुल माइक्रोब्स की, माइक्रो वो क्या कहलाता है, माइक्रोबियल एंटागोनिज्म कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही, आप अपना वो क्लियर करें, अपनी अपना इंटरनेट को रिफ्रेश करें, क्या सबको आवाज नहीं आ रही क्या। उसके बाद आगे है आपके पास पैथोजन। पैथोजन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहता है कैपेबल कॉज अ डिजीज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करने के कैपेबल है। आगे आ जाता है आपके पास बेनिफिशियल आउटकम्स। बेनिफिशियल आउटकम्स में आ जाता है रिमूव्ड बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है, माइक्रोबियल एंटागोनिज्म, ठीक है, मतलब बेनिफिशियल आउटकम से मुराद ये है कि नॉर्मल फ्लोरा के हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। एंटागोनिज्म कहते हैं एंटी काम करना, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होता मुबीन, अगर बुशरा आपके साथ लेक्चर ले रही है तो मैं नहीं लगा सकती, बुशरा लैदा से ही मुझे सेंड करेंगी, ये जो साथ बैठी लेक्चर ले रही है मैं इनको नहीं कभी भी अकोमोडेट करूंगी, बेवकूफ टीचर को ना आप लोग बनाया करें प्लीज, सिर्फ उनकी अटेंडेंस होगी जो इंडिविजुअल अटेंडेंस सेंड कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। एडवर्स इफेक्ट में आपके पास आ जाता है एस्केप इम्यून सिस्टम, ठीक है, अगर वो इम्यून सिस्टम एस्केप कर दें तो ऑब्वियसली जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एंटीजन है वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिस्ट्रप्ट द स्टीराइल टिश्यूज, मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्ट्रप्ट करते हैं आपके स्टीराइल टिश्यूज। स्टीराइल टिश्यूज कौन से हैं, जो आपके स्टीराइल ऑर्गन्स के टिश्यूज हैं, जैसे आपका लिवर है, ठीक है, आपका हार्ट है, ठीक है, लंग है, सो स्टीराइल फ्लूइड्स एंड स्टीराइल ऑर्गन्स दोनों में आपके नॉर्मल फ्लोरा एग्जिस्ट नहीं करते, कॉज अ डिजीज टू इंटरनल ऑर्गन्स और डिजीज कॉज करते हैं इंटरनल ऑर्गन में।
आगे आ जाता है नंबर टू, प्रोग्रेस ऑफ इन्फेक्शन. प्रोग्रेस ऑफ इन्फेक्शन में मेजर फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन, तो मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इन्फेक्शन में टेक पार्ट करते हैं. सबसे पहले है पैथोजेनिसिटी, ठीक है, फिर है पोर्टल्स ऑफ एंट्री, फिर आ जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर आ जाता है प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, फिर आ जाता है पोर्टल ऑफ एग्जिट. ओके, पैथोजेनिसिटी क्या होती है? अबिलिटी ऑफ द माइक्रोब्स टू कॉज इन्फेक्शन, ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अबिलिटी इन्फेक्शन को कॉज करने की, वो क्या कहलाती है? पैथोजेनिसिटी कहलाती है. आगे आ जाता है वायरुलेंस. वायरुलेंस कहते हैं डिग्री टू विच माइक्रोब कैन इन्वेड एंड डैमेज होस्ट टिश्यू, ठीक है, मतलब डिग्री से मुराद ये है कि वो लेवल, ठीक है, वो शिद्दत जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर हमला करता है और आपके होस्ट टिश्यू को डैमेज करता है, वो वायरुलेंस ही कहलाती है. आगे आ जाता है टू टाइप्स ऑफ वायरुलेंस, ट्रू पैथोजेंस एंड ऑपरचुनिस्टिक पैथोजेंस. एक ट्रू पैथोजेंस होता है और आपके पास दूसरा कौन सा होता है? ऑपरचुनिस्टिक पैथोजेन होता है. ट्रू और ऑपरचुनिस्टिक पैथोजेन में आपके पास कॉज डिजीज इन हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल में वो कॉज करता है, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एंड रिकॉग्नाइजेबल डिजीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, प्लेग आ जाता है, बैसिलस आ जाता है, मलेरियल प्रोटोजोन आ जाते हैं, ठीक है. उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑपरचुनिस्टिक पैथोजन. ऑपरचुनिस्टिक पैथोजन क्या करते हैं? वो डिजीज कॉज करते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट के अंदर, ठीक है. जब भी आपका नॉर्मल फ्लोरा जो है, इवन वो भी अगर आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन करता है, तो वो एज ए ऑपरचुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं और वो भी आपको डिजीज कॉज करवाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं, ठीक है. उसके बाद आगे आ जाता है गेन एक्सेस या इंजरी टू स्टेराइल रीजन. जारी बात है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो वो एक्सेस लेंगे, ठीक है, वो आपके जितने भी स्टेराइल पार्ट है, स्टेराइल रीजन है, स्टेराइल फ्लूड है, वो वहां तक एक्सेस लेंगे, ठीक है. आगे आ जाता है फैक्टर्स डेट वीकन होस्ट डिफेंस एंड इंक्रीज सस्सेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन. कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वीकन कर देते हैं आपके होस्ट डिफेंस को और इंक्रीज कर देते हैं सस्सेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन. ओल्ड एज एंड एक्सट्रीम यूथ, ठीक है, आपकी ओल्ड एज और एक्सट्रीम यूथ, जैसे इन्फेंसी है, प्री मेच्योरिटी है आपकी, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं इन इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड डिफेक्ट्स इन इम्यूनिटी, ठीक है, सर्जरी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स आ जाते हैं आपके. उसके बाद ऑर्गेनिक डिजीज आ जाती है, जैसे कैंसर है, लिवर मेल फंक्शन है, डायबिटीज है, आपकी कीमोथेरेपी है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आ जाती हैं, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस आ जाता है एंड अदर इन्फेक्शन आ जाते हैं. उसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री से मुराद ये है कि व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेन एक्सेस टू वर्ल्ड्स और इनसाइड द ह्यूमन, दैट स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड अ पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है, मतलब एंट्री का जो उसका एरिया है, व्हाटएवर वो कहां से एंटर हो रहा है, वो पोर्टल ऑफ एंट्री होगा. माइक्रोब्स एंटर इन द बॉडी बाय द वेरियस ट्रांसमिशन मेथड. मोस्ट पैथोजन हैव स्पेसिफिक पोर्टल्स ऑन द एंट्री. मिसाल के तौर पे स्किन पोर्टल हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पोर्टल हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पोर्टल हो सकता है, यूरोजेनिटल ट्रैक पोर्टल हो सकता है एंड प्लेसेंटा पोर्टल हो सकता है. अब स्किन कैसे होगा? स्किन में जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्जांपल आपकी मॉस्किटो है, ठीक है, वो बाइट करती है स्किन पे और कॉज करती है मलेरिया, एंटर्स बॉडी थ्रू बाइट स्किन और वो एंटर हो जाती है बाइट स्किन करने से. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आपके पास साल्मोनेला आ जाता है, शिगीला आ जाता है, विब्रियो आ जाता है. वायरसेस में आपके पास पोलियो आ जाता है, हेपेटाइटिस ए आ जाता है, ठीक है, वायरसेस है ना, जितना भी आपके पास हेपेटाइटिस ए से जो डिजीज हो रही है. प्रोटोजोन में आपके पास जार्डिया लैम्बिया आ जाता है, ये एंटर होता है वाया इंजेशन और एनल रूट, ठीक है. इंजेशन यानी कि ओरोफिकल रूट होता है ना, गंदे पानी से, एनल रूट से, ठीक है, उसको कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक. रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी आ जाता है, जिसमें सोर थ्रोट है आपका, मेनिनजाइटिस है, फंजाई है, जैसे क्रिप्टोकोकस है, ठीक है. स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी में सोर थ्रोट और मेनिनजाइटिस आ गया, और फंजाई में आपके पास क्रिप्टोकोकस आ गया, यानी नमूनिया आ गया. यूरोजेनिटल में देखिए न्यूमरस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज, ठीक है, रूट है ये भी, जितनी भी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं वो आ जाती हैं. वायरसेस हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ गया, ठीक है. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या करेगा? जेनिटल वॉर्ट्स करवाएगा, ठीक है, ये मतलब वो वायरस है जो कि ये जिसके ये जो ये इफेक्ट्स छोड़ के जाता है, ठीक है. उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोटोजुआ. प्रोटोजुआ में आपके पास ट्राइकोमोनेस आ जाता है.
ट्राइकोमोनास आगे से जो डिजीज कराएगा उसके ट्राइकोमोनियोसिस बोलते हैं। फिर आपके पास बैक्टीरिया आ जाते हैं नसीरिया गनोरिया, नसीरिया गनोरिया जो फिर डिजीज करवाएगा वो गनोरिया कहलाएगा। उसके बाद एक्वायर्ड बाय इंटरकोर्स और इंटीमेट कॉन्टेक्ट, ठीक है। हम फिर इसको किस तरह से एक्वायर करते हैं, इंटरकोर्स से या इंटीमेट कॉन्टेक्ट से हम उसको करते हैं। आगे कॉमन एसटीडीज विच इंक्लूड वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब एसटीडीज है, अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात की जाए तो 5,55,000 जो है वो इसका कह लें कि यूएस के अंदर पर केस पर ईयर जो है वो रेट है। ट्राइकोमोनियासिस का जो है वो 500,000 है, ठीक है। उसके बाद हर्पिस सिंप्लेक्स का जो है वो 100,000 है। उसके बाद आ जाए आप क्लाइमोडियोसिस का जो है वो 78,300 है। उसके बाद गनोरिया का आपके पास 361 है, हेपेटाइटिस बी 77 है, एड्स आपके पास कितना है 41 है, सिफिलिस आपके पास 32 है। यानी कि आपके पास देखें कि इस वक्त सबसे ज्यादा रेट जो ज्यादा जा रहा है वो एचपीवी का जा रहा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जा रहा है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ज्यादातर क्या कॉज करवा रहा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो जेनिटल वॉर्ट करवा रहा है। ये देखें वायरसेस में, ठीक है, जेनिटल वॉर्ट करवाता है ये ज्यादातर, तो ये ज्यादा है। नहीं मेमोराइज नहीं करनी, बस आपको इतना याद है कि जो आपके उसके ऊपर कॉन्टिनेंट के ऊपर इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरस है, एड्स का है, हेपेटाइटिस बी का है, उसकी रेशियो क्या जा रही है, बस ये याद कर लें। और दूसरा ये याद कर लें कि जो हाईएस्ट वायरस जो डिजीज कॉज कर रहा है वो कौन सा है। हीरा क्या पूछ रही है, जेनिटल वॉर्ट्स का क्या मतलब नहीं पता आपको इसको, क्लियर क्वेश्चन किया करें, सिर्फ जेनिटल वॉर्ट लिख के ना भेज दिया करें, कोई बदतमीजी है ये इंतहाई। टेल मी क्लियरली कि व्हाट डू यू वांट टू आस्क, जेनिटल वॉट व्हाट, ठीक है। आगे आ जाए, आगे आगे आपके पास प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहता है सम बैक्टीरिया कैन पेनिट्रेट दी प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो मदर टू फीटस इन प्रेगनेंसी वो क्या करते हैं कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होता है कि वो फीटस को भी अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, तो क्लियर लिखा करो ना, मुझे समझ नहीं आता मुझसे पूछ रही हो या मुझे बता रही हो, क्लास को बता रही हो या मुझे बता रही हो, बताया करो ना कि क्लास ये कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, वेल डन एनीवेज। अच्छा उसके बाद आ जाता है आपके पास सिफिलिस स्पायरोचीट, ठीक है। बर्थ केनाल के अंदर आपके पास हर्पिस सिंप्लेक्स आ जाता है, बर्थ केनाल के अंदर वही आ गया ना एचपीवी, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बर्थ केनाल के अंदर या एसटीडी से जो ट्रांसमिट होता है वो जो कॉज करता है वो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस कॉज करता है, हर्पिस सिंप्लेक्स करता है। आगे देखिए, आगे आगे आपके पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वायरस जो है उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म तक या दूसरे ह्यूमन बीइंग तक कैसे एक्सेस की, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन था वो क्या था। अगर तो बात करें डायरेक्ट कांटेक्ट की, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकती है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, नो इंटरमीडिएट होस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल टचिंग एंड किसिंग, ठीक है। मतलब उसमें क्या होती है, डायरेक्ट आप वो ऑर्गन या वो पार्ट बॉडी के जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आगे आ जाती है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में जाहिर सी बात है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे आप कोई भी घर में अपने कॉमन शेयरिंग फ्रेंड्स के साथ कर लेते हैं, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, बेडिंग, क्लॉथ्स, मनी, सिरिंजेस, अपनी चम्मच, प्लेट, अपना टॉवल, अपनी कॉम्ब, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट आपका कॉन्टेक्ट आ जाता है, इवन आपका टूथब्रश, आपकी लिपस्टिक्स फीमेल्स अक्सर शेयर कर लेती हैं, ठीक है। आगे आगे आपके पास ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं ये ड्रॉप्स स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू निकल रहे हैं, तो माइक्रोब्स आर स्प्रेड इन म्यूकस ड्रॉपलेट्स दैट ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर, ठीक है। यानी कि उसने डिस्टेंस भी बता दिया कि अगर विद इन द 1 मीटर अगर कोई द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही और शी कैन कैच दीज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम अदर साइड, सो ही और शी इज प्रोन टू दैट पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है।
आपने 1 मीटर का फासला रखना है और 1 मीटर के फासले पे खड़े होके ही बात करनी है। इतने डिस्टेंस पे वो स्प्रेड कर सकते हैं। स्नीजिंग आ गया, कफिंग आ गया, टॉकिंग, लाफिंग, ठीक है, सर पे चढ़ के नहीं खड़े होना, हमेशा आपने थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, ठीक है। उसके बाद ये कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज के उसने कुछ रूट्स बताए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाता है, ये आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आ जाता है, ये आपका वर्टिकल इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, ट्रांसप्लेसेंटल इम्यूनिटी या ट्रांसप्लेसेंटल आपका इन्फेक्शन, ये बायोलॉजिकल वेक्टर है, ठीक है, वायरस मलेरिया वगैरह कोई बाहर फिर रहा है ये, ठीक है, या डेंगी है तो इसको बाहर से काट गया। ये फोमाइट से आ गया आपके, यानी कि बेजान चीजों से, ठीक है। ये आपका किससे आ गया, फिकोरल रूट के, खाना, फूड हैंडलर बॉडी में मौजूद था, एज ए कैरियर काम कर रहा था, किसी के लिए बनाया, ठीक है, या साथ शेयर किया तो क्या हुआ, उसको भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आ गया, और ये आपका किससे आ गया, रोडेंट से आ गया। रोडेंट्स क्या होते हैं, कतर कर खाने वाले जो जानवर होते हैं घर में, ठीक है, वो रोडेंट्स कहलाते हैं। आगे आ गया, हमने पहले पढ़ा था मोड ऑफ आपका क्या था, स्प्रेड क्या था। अब आगे मोड ऑफ स्प्रेड में व्हीकल ट्रांसमिशन आ जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज वाया मीडियम सच एज वाटर, फूड, एयर, ब्लड, बॉडी फ्लूड्स एंड इंट्रावीनियस फ्लूड्स, ठीक है। मतलब वो पानी से भी हो सकती है, अगर टाइफाइड का बंदा आपके पिज्जा हट में काम कर रहा है और आपने वहां से पिज्जा मंगवा लिया और सारी क्लास ने खा लिया है, सही है। अगर किसी की इम्यूनिटी लो है तो क्या है, इम्यूनिटी मिसाल के तौर पर 20 बच्चों की लो इम्यूनिटी, तो 20 ने खा लिया तो दे आर प्रोन टू गेट दैट पर्टिकुलर टाइफी वायरस, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। सो फूड है, एयर है, एयर में क्या आ जाता है आपके, स्नीजिंग, कफिंग, कोविड है आजकल, मास्क पहन के रखना है, 1 मीटर का डिस्टेंस, ये वो, ठीक है। ब्लड में क्या आ जाता है, हेप सी है, हेप बी है, HIV है। बॉडी फ्लूड्स में अगर मदर टू फीटस जा रहा है, एयर में भी इसी तरह से है, इंट्रावीनस फ्लूड्स में भी यही है कि अगर आप ट्रांस फ्यूज कर रहे हैं ब्लड को या फिर इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इन एनी केस यू हैव टू बी केयरफुल। वाटर बॉर्न में जैसे कि यूजली कॉज बाय वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद सीवेज, हमारा अनफॉर्चुनेटली वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान विच डोंट हैव ए सफिशेंट रिजर्व्स फॉर आवर कम्युनिटी और फॉर आवर पॉपुलेशन, सो वी सफर फ्रॉम और वी आर लेकिंग फ्रॉम ए क्लीन वाटर फैसिलिटी। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से द सीवरेज वाटर इज ऑलवेज मिक्सड और ऑलवेज इज मिक्सिंग विद द टैप वाटर विद द ड्रिंकिंग वाटर, ओके। सो जो नई लोग नेस्ले का पानी, नेस्ले की बोतल अफोर्ड कर सकते हैं, गोरमे की बोतल अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने वही टैप वाटर पीना है। इवन हमारे घरों में अगर फैसिलिटी नहीं है कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग एक फिल्टर लगवा सकें, तो यार बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर यू हैव टू गाइड, यू हैव टू टीच योर कम्युनिटी दैट यू शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। आप टूटी का पानी ही ले लें लेकिन उसको उबाल लें आधा घंटा, ठीक है। स्टरलाइजेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाई है, उसको उबाल लें, साफ लें, किसी हद तक आपको, किसी हद तक, किसी लेवल तक, नॉट 100% आपको पानी फिर भी उस तरह का नहीं मिलेगा रॉ, जिस तरह से कि आपको खाली टूटी से पानी है टैप से आता हुआ मिल रहा था। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में स्प्रेड ऑफ एजेंट्स बाय ड्रॉपलेट्स इन डस्ट दैट ट्रेवल मोर देन 1 मीटर टू द होस्ट, एयरबॉर्न का भी यही है कि 1 मीटर टू द होस्ट जो है उसने अप्रोच करना है। आगे आ जाता है आपके पास वेक्टर ट्रांसमिशन। वेक्टर ट्रांसमिशन में एनिमल्स दैट कैरी डिजीज फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ठीक है। इसमें अब एनिमल इन्वॉल्व होते हैं जो कि बेसिकली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे ड्रॉप देते हैं, ठीक है। इन्होंने पिक एंड ड्रॉप खेला होता है आपस में। अब आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल वेक्टर, वो क्या करते हैं, किसी गंदी जगह पे कोई माइक्रोब पड़ा होगा जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होगा, ये क्या करेंगे, इन्होंने लैदा ही क्रीम या उबर चलाई होती है, उस गंदी जगह पे इन्होंने बैठना है, वहां से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिक करना है और किसी और जगह ड्रॉप कर देना जाके, ठीक है। सो यू शुड बी केयरफुल वाइल यू आर ईटिंग, ठीक है। आगे आ जाता है मैकेनिकल ट्रांसमिशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब इसमें पैसे लगते हैं, मतलब खुद से एनर्जी लगती है, ऑफ पैथोजन ऑन इंसेक्ट्स बॉडी, फॉर एग्जाम्पल बी, ठीक है, हनी बी है आपकी। आगे आ जाता है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में पैथोजन स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन द वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, यानी इसमें पैथोजन जो है आपका, जो मॉस्किटो है वो
काटता है ह्यूमन को या किसी और बंदे को। मॉस्क्यूटो के अंदर बेसिकली कौन रह रहा होता है? मॉस्क्यूटो के अंदर तो प्लाज्मोडियम रह रहा होता है ना, जो आपके पास पैरासाइट है, ठीक है। और वो पैथोजन अपना लाइफ साइकिल इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि वो मॉस्क्यूटो आपका वेक्टर होता है उस पर्पस के लिए। ये देखें, अ मॉस्क्यूटो इज ए बायोलॉजिकल वेक्टर एंड कॉमन हाउस फ्लाई इज अ मैकेनिकल वेक्टर। मॉस्क्यूटो जो है वो बायोलॉजिकल वेक्टर है, और जो आपकी कॉमन हाउस फ्लाई है वो क्या है? वो मैकेनिकल वेक्टर है, ठीक है। ये देखें, ये बायोलॉजिकल वेक्टर आर इन्फेक्टेड, मैकेनिकल वेक्टर्स आर नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है, ये इन्फेक्टेड नहीं होते। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज। अब डिजीज कैसे स्प्रेड करती है, पूरा प्रोसेस क्या है? फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं क्लिनिकल इन्फेक्शन की: इंक्यूबेशन पीरियड, प्रीडोर्मल, ठीक है, पीरियड ऑफ इन्वेजन एंड कन्वर्सल पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है? टाइम फ्रॉम इनिशियल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्शियस एजेंट टू द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन सिम्टम। पहला साइन सिम्टम जब अपियर होता है बॉडी के अंदर दाखिल होने से लेके तक, वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। एजेंट इज मल्टीप्लाइंग बट डैमेज इज अनसफिशिएंट टू कॉज सिम्टम, ठीक है। एजेंट जो है वो आपका मल्टीप्लाई कर रहा होता है बट डैमेज इज इनसफिशिएंट टू कॉज ए सिम्टम, ठीक है। लेकिन डैमेज इतना नहीं होता कि वो सफिशिएंट सिम्टम कॉज करे। सेवरल और आपके पास दरकार होते हैं और सेवरल ईयर भी होते हैं। आगे आ जाता है प्रोडॉर्मल स्टेज। प्रोडॉर्मल स्टेज के अंदर वैग्यू फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग, लेथार्जिक, ठीक है, इस तरह से आना शुरू हो जाती है प्रोडॉर्मल स्टेज। पीरियड ऑफ इन्वेजन में आपके पास मल्टीप्लाइज एट हाई लेवल्स, बिकम्स वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। हाई लेवल भी होता है, वेल एस्टेब्लिश्ड होता है, मोर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स। आगे कॉन्वल्सेंट पीरियड के अंदर क्या आ जाता है? एज पर्सन बिगेंस टू रिस्पॉन्ड टू द इन्फेक्शन सिम्टम्स डिक्लाइन। जैसे ही पर्सन रिस्पॉन्ड करता है इन्फेक्शन को, वो जो आपकी सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि वो कन्वल्सेंट पीरियड होता है। लेकिन पीरियड ऑफ इन्वेजन में हाई लेवल आ जाता है मल्टीप्लीकेशन का उस ऑर्गेनिज्म का, यानी कि आपको जबरदस्त और मैक्सिमम जो बेचैनी होती है वो पीरियड ऑफ इन्वेजन में होती है। प्रोडॉर्मल में अभी से स्टार्ट होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि अभी आपको कुछ नहीं पता होता कि आपके साथ क्या होने जा रहा था, बस वो बाहर का एजेंट अंदर घुस चुका होता है और आपको पहला क्लिनिकल साइन सिम्टम अंदर सामने आ जाता है, ठीक है। आपका जिस्म टूटना शुरू हो जाएगा या आपको कह लें कि आप नॉर्मल फील नहीं करते, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज एस्टेब्लिशमेंट। पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन है नंबर वन, एंड नंबर टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम। अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द बॉडी डिफेंस, ठीक है। सो बॉडी डिफेंस में अर्लीस्ट इन्फेक्शन जो होता है वो ये होता है।
अच्छा, उसके बाद इन्फेक्शंस वो कहता है आर क्लासिफाइड बाय वेदर दे रिमेन एट द साइट ऑफ इनोक्यूलेशन, यानी लोकलाइज इन्फेक्शन हो सकता है अगर तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे है, सिस्टमैटिक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन एंड द ऑर्डर इन विच दे इन्फेक्ट द बॉडी, ठीक है, मिक्स्ड इन्फेक्शन हो सकता है, आपका प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, परसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन जैसे एक्यूट इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है एंड सब एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। आगे आ जाता है आपके पास एस्टेब्लिशमेंट, पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन में आ जाता है आपके पास लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, कहता है माइक्रोब एंटर द बॉडी एंड रिमेन्स कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल बॉयल। अब कहता है कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटर होते हैं बॉडी के अंदर और रिमेन्स कन्फाइंड रहते हैं स्पेसिफिक टिश्यू। बॉयल क्या होता है? बॉयल कहते हैं छाले को, ठीक है, छाला एक लोकलाइज जगह पे होता है ना, सो लोकलाइज इन्फेक्शन। सिस्टमैटिक इन्फेक्शन में आपके पास इन्फेक्शन स्प्रेड टू सेवरल साइट्स एंड टिश्यू फ्लूइड, यूजली इन द ब्लड स्ट्रीम, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा। फोकल इन्फेक्शन में आपके पास क्या है कि व्हेन इन्फेक्शन एजेंट ब्रेक्स लूज फ्रॉम लोकल इन्फेक्शन एंड कैरी टू द अदर टिश्यू। सिस्टमैटिक में वो क्या कह रहा है, पूरे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर फैला हुआ है, लोकलाइज में वो क्या कह रहा है, एक जगह पे छाला बना हुआ है, ठीक है, और फोकल इन्फेक्शन में क्या है कि आपका लोकलाइज इन्फेक्शन था, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा है और पूरी बॉडी के अंदर वो स्प्रेड कर रहा है, और पूरी बॉडी पे स्प्रेड कर, मतलब कि जब डिजीज के फोकाई किसी और जगह से आ रहे हो और उस किसी और टिश्यू को भी इन्फेक्ट कर रहे हो, कैरियर इन्फेक्शन का किसी और जगह से आ रहा हो, लोकल इन्फेक्शन से आ रहा हो, मतलब वो फोकल इन्फेक्शन होता है। फोकाई ऑफ डिजीज आर कम्स फ्रॉम अनदर साइट, ठीक है, और फ्रॉम द लोकल साइट यू कैन से। सो नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व सेवरल माइक्रोब्स ग्रोस साइमल्टेनियसली एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में साइन ऑफ इन्फेक्शन रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या होते हैं, जो के हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, लाइक ब्लड प्रेशर, पल्स, ठीक है, BSR, ये सारी वो चीजें जो हमें नजर आ रही होती हैं, ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन रेफर्स टू द सब्जेक्टिव एविडेंस, जो मरीज बता रहा होता है मुझे बुखार है, मेरा गला दर्द कर रहा है, गला सूजा हुआ है, मुझे सोजे पड़ी है, ठीक है, दर्द है मुझे, दीज आर सब्जेक्टिव एविडेंस। सिंड्रोम इज अ डिजीज दैट मैनिफेस्ट एज ए प्रेडिक्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है, when we collect a number of diseases in a one bunch you can say, ek gucche ke andar, ek bunch ke andar jab hum zyada sari diseases ko dal dete hain to wo milke syndrome bana deti hain. Syndrome basically the term used when we have a number of diseases, we have a cluster of diseases are called syndrome, theek hai. After the initial infection pathogens may remain in the body. Pehli ibtidai jo infection hoti hai usme pathogen बॉडी के अंदर रहता है लेटेंट स्टेट के अंदर एंड मे लेटर कॉज रिकरेंट इन्फेक्शन, और उसके बाद वो रिकरेंट इन्फेक्शन कॉज करता है, बार बार इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। माइक्रोब्स आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी, माइक्रोब्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्पेसिफिक पोर्टल ऑफ एग्जिट, स्पेसिफिक पोर्टल ऑफ एग्जिट से, यानी कि पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, जहां से उसने बॉडी से एग्जिट होना है, through a portal of exit that allow them access to another host, और फिर वहां से वो किसी और host की body के अंदर enter होके वहां पे भी infection cause करते हैं। अच्छा जी, अब आगे आपके पास sign, sign में आपके पास fever, septicemia, fever क्या है, जब आपका thermostat temperature बढ़ा देता है, septicemia है, या जब आपके पास सारी body के अंदर systematically virus या bacteria spread कर जाता है वो septicemia है, virus करेगा तो viremia है। माइक्रोब्स इन टिश्यू फ्लूइड्स, जब माइक्रोब्स टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर आ जाते हैं, चेस्ट साउंड्स चेंज हो जाती हैं, स्किन इरप्शन, ठीक है, ये वो साइन है, ये साइन है, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है जो आप फील करेंगे, जो आपको पता चलेगा, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस है, लैब पे आपको पता चलेगा, ल्यूकोपीनिया आपको लैब पे पता चलेगा, स्वॉलम लिम्फ नोड्स, ठीक है, एप्सिस वो आप खुद देखेंगे पैल्पेट करके, टैकेकार्डिया है वो भी आपको खुद पता चलेगा ECG पे, एंटीबॉडीज इन सीरम है वो भी आपको बायोकेमिस्ट्री करवा के पेशेंट की पता चलेगा। सिम्टम्स पे जो है वो क्या है, जो के मरीज आपको बताएगा, ठीक है, जो कि आप खुद नहीं, मरीज आपको बताएगा, ठीक है, जैसे चिल है, सर्दी लगना, दर्द है, सोरनेस है, इरिटेशन है, दिल खराब होना, ठीक है, खिंचाव, दर्द, ठीक है,
एब्डोमिनल क्रैम्प, सोर थ्रोट, ये वो चीजें हैं जो कि सिम्टम्स हैं, और सिम्टम्स हमेशा मरीज आपको बता रहा होता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब आप एग्जिट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो गया, उसने निकलना कैसे है, वो रेस्पिरेटरी से भी कर सकता है, सेलिवरी से भी कर सकता है, स्किन से भी कर सकता है, फीकल से भी कर सकता है, यूरोजेनिटल से भी कर सकता है, एंड ब्लड से भी कर सकता है। ठीक है, साइट एट विच माइक्रोब्स लीव बॉडी, मोस्ट कॉमन एग्जिट पोर्टल्स आर रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, तो ज्यादातर कॉमन पोर्टल ऑफ एग्जिट आपके पास या तो सांस के रस्ते हैं, या तो वो खांसेगा छींकेगा तो वो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज फीको ओरल रूट, यानी यू कैन से अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक वाया स्टूल पासिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर आप देखें, एग्जिट इन डिस्चार्ज म्यूकस ड्रॉपलेस है, यही बात मैंने ऊपर की, फ्रॉम नोज एंड माउथ, ट्रांसमिशन बाय कफिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस टीबी का पेशेंट है या इन्फ्लुएंजा का पेशेंट है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आपके पास फीकल आ जाता है, एग्जिट इन फीसिस और स्लाइवा। ठीक है, वही बात मैंने की आपको, टाइफाइड इन्फेक्टेड पेशेंट है, साल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्टेड है, विब्रियो कॉलरा से इन्फेक्टेड है, हैजा हुआ हुआ है। ठीक है, स्लाइवा रेबीज वायरस है एंड हर्पिस सिंप्लेक्स 1 वायरस है। ओके, आगे आ जाते हैं आपके पास पोर्टल ऑफ एग्जिट फर्दर, यूरोजेनिटल। यूरोजेनिटल में सिक्रीशन ऑफ यूरिन है, आप अगर किसी इन्फेक्टेड यूरिन को हाथ लग जाता है, स्किन है, वुंड इन्फेक्शंस है, स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और थ्रू फोमाइट्स। फोमाइट्स यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, टेबल, चेयर। ठीक है, और फोमाइट्स क्या होते हैं, आपके पास मक्खियां, हाउस फ्लाई आ जाती है उसके अंदर। ब्लड ट्रांसमिशन थ्रू इंसेक्ट्स, नीडल्स एंड सिरिंजेस, हेपेटाइटिस बी जो कि वेरी कॉमन है। ठीक है, ये मेजर पोर्टल ऑफ एग्जिट उसने दिखाए हुए हैं, कफिंग स्नीजिंग से हो रहा है, स्किन ओपन लियन, कोई बॉयल पड़ा है, छाला पड़ा है, इंसेक्ट बाइट कर गया, फिर रिमूवल ऑफ ब्लड, आपने ब्लड लिया है, फीसिस से है और यूरिन से है, तो ये क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट है, कि वो कब आपकी बॉडी से बाहर अप्रोच करता है। डिजीज प्रिवेंशन हाइजीन पे उसने कुछ हमें बताया कि कैसे कर सकते हैं। कहते हैं हाइजीन रेफर्स टू द कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, जो कि डिजीज को स्प्रेड करने में हमें हमें रोकना चाहिए, प्रिवेंट और स्प्रेड करने में, ये वो चीज है, यानी कि ये कंडीशन है और प्रैक्टिस है जिसमें हम मेंटेन करते हैं। बेटा जब एग्जिट से हम नहीं करते, वो हो रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे वूंड अगर किसी जगह पे पड़ा है, तो आपका कोई भी हेल्दी पर्सन उसके साथ कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसका एग्जिट वहां से हुआ ना, वो बैक्टीरिया वहां पे स्लफिंग हुई हुई है ना उसकी, बैक्टीरिया वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से कोई छींकता है, खांसता है, तो उनकी उन सिक्रीशन के अंदर से भी तो उसने बाहर गिरना है ना। ठीक है, इसी तरह से स्किन पे अगर अगर बॉयल की मैंने बात की थी, छाला निकला हुआ है, तो उस छाले के अंदर पीप पड़ी है, पस पड़ी है, जख्म पड़ा है, गला सड़ा जख्म है, साथ में कोई भी लेसिरेशन लग जाती है, कोई भी आपको गंदी सिक्रीशन टच हो जाती है हेल्दी उंगली के साथ, हेल्दी बाजू के साथ, या किसी भी जगह से, तो यू आर प्रोन टू गेट दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इजंट इट? ओके, यस, एग्जैक्टली, खदीजा इज राइट नाउ, बिकॉज वी पुट और settle such sort of patient in a completely isolation, or even while we providing care, even we as a nurses or a ward boy or what you are saying as a doctor, medical healthcare provider, we are always use PPs and other precautions to handle such sort of patient. Okay, medical hygiene therefore includes a specific set of practices. Specific set of practices are associated with this prevention of health. For example, environmental cleaning आ जाती है, ठीक है? Environmental day celebrate किया जाता है. Do you know on what day? Do you know class? Environmental day celebrate किया जाता है on 6th of June. Sorry, 5 June. 5 June को जो है वो आपका environmental day जो है वो celebrate किया जाता है, ठीक है? World environmental day. सही है? So medical hygiene therefore includes a specific set of practice associated with this prevention of health, environmental cleaning, sterilization of equipment. Sterilization पे बहुत बात की, बहुत बात की, बहुत बात की, और autoclave क्या है? सब का क्या है? सरदार है, ठीक है? आपका प्रेशर कुकर घर में जो आप लोगों ने बकरा ईद आ रही है, जो आपने खाने बनाने हैं, ठीक है, इज अ गुड एप्लीकेशन ऑफ autoclave, बेस्ट एप्लीकेशन।
स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड हाइजीन, वाटर एंड सैनिटेशन एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट। यार मेडिकल वेस्ट को अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करो, अपना सैनिटेशन अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी टीचिंग दो, अपनी कम्युनिटी को अच्छी टीचिंग दो। ठीक है, आप एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ नर्स, पूरी कम्युनिटी को नर्चर कर सकते हो। ठीक है, उनको नर्स कर सकते हो, उनको आप कम्युनिटी को क्या कर सकते हो, टीच कर सकते हो। ठीक है, आप जितना नॉलेज रखते हो माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या हाइजीन से या उस प्रैक्टिस या उस कंडीशन से, और जो उसके प्रॉस एंड कॉन्स आपको पढ़ा दिए गए हैं कि दैट वाज अ पोर्टल ऑफ एंट्री एंड दैट इज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट, द अदर पर्सन कैंट नो दिस रियलिटी, अ ले पर्सन। ठीक है, सो यू आर अ वाइज पर्सन। ठीक है, आप बैचलर्स करने जा रहे हो, ठीक है, आप एक कॉम्पिटेंट डिग्री होल्डर बनने जा रहे हो, सो यू हैव टू टीच। आपने खुद को मनवाना है, कोई आपको नहीं आके कहेगा कि हिरा इज वेरी कॉम्पिटेंट, हदीजा इज वेरी कॉम्पिटेंट, सुमैया इज वेरी कॉम्पिटेंट, ठीक है, और वट एवर। सो यू हैव टू नो और यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ बाय ऑन। आपको अपने खुद से मनवाना है, अपनी प्रैक्टिस से, अपने काम से, अपने नॉलेज से। ठीक है, और नॉलेज एक ऐसी दौलत है कि जो कोई छीन नहीं सकता, और इसी के सर पे आप दुनिया पता कर लेते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। होपफुली रह गई है हमारी स्लाइड क्या? यस, इट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। इज देयर एनी क्वेश्चन, प्लीज यू कैन आस्क। इट विल बी ग्रेटफुल फॉर मी इफ यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन। सो आप उसे पूछ सकते हैं प्लीज। हबीब तो बड़े ही एंड पे नजर आया। हबीब तुम तो ईद का चांद हो जाते हो। ठीक है, तुम्हारी एब्सेंट मार्क करूं मैं? ठीक है, खतीजा अब्दुल्ला, नौरीन जेम्स। नौरीन आप कहाँ थी, इतनी देर बाद नजर आई हो, किधर गुम रहती हो तुम? नौरीन, अच्छा जी, थैंक यू सो मच नौरीन। ओके, आप लोग जब एंड पे पहुंच रही होती है ना बात, तब आप लोग आते हैं। अब इस तरह नहीं होगा। अब हबीब तुम तब मुझे नजर नहीं आए, अब तुम आके कह रहे हो कि मैंने सारा लेक्चर लिया। ठीक है, सदफ लियाकत नहीं नजर आई, नुदरत नहीं नजर आई। ठीक है, चले ठीक है, मान लिया भाई, नौरीन ने मान लिया। मुबीन, मुबीन, मुबीन और बुशरा, मुबीन तुम ठीक हो जाओ और बुशरा को भी मेरा मैसेज दे देना। ठीक है, आरफा अशरफ नहीं है, आरफा अशरफ, नुदरत नहीं है, आरफा अशरफ नहीं है, जैनब नहीं है, अनीका, इज अनीका प्रेजेंट और नॉट? नो, अनीका इज नॉट प्रेजेंट। सद्दफ लियाकत, सिद्रा बतूल, फायजा मंजूर, ठीक है, गुले लाला नहीं है, हिना इजाज है, इकरा नवाज, इरसा गजल एंड मरियम इकबाल। ठीक है, बस ये लोग हैं। नुदरत की तो बस, नुदरत तो कोरोना की होके रह गई है। ठीक है, नहीं मैं इस तरह नहीं लूंगी, मैं बिल्कुल भी मुबीन नहीं लूंगी बुशरा की इस तरह से अटेंडेंस। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 लगी है मेरे पास। ठीक है, हाँ मरियम स्टार्स है, यू आर वेरी स्मार्ट मरियम, ऑलवेज इज वेरी स्मार्ट, वेरी गुड मरियम। मरियम शुरू से ही बहुत अच्छी बच्ची है। अनीका, यस अनीका अब आप आई हैं। जैनब नहीं है, गुले लाला है, ठीक है, गुले लाला, ओके गुले लाला है, इकरा नवाज, इरसा गजल, सही है। ओके, सुमैया यूसुफ है, सुमैया यूसुफ और जैनब, सुमैया यूसुफ, सदफ, यस मैया यूसुफ इज प्रेजेंट, ओके दैट्स गुड। ठीक है, सदफ है, सदफ, सदफ नुदरत, चलें जी, इट्स ऑल अबाउट।
चलें, थैंक यू सो मच क्लास, विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।